ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है, सरकार पर आरोप। मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहाँ दिया, कहाँ रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है, जहाँ भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीज़ें निकाल कर के रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है, उनको इतना कर लीजिए। जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं वे जब भी बोले तो आप इतना, कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए उनको पूछे कि ठहरिए भाई आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए, ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए, एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो दे कि भाई हाँ यहाँ का लिंक यहाँ, यहाँ का लिंक यहाँ है, ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। अब मुझे बताइए उनको ये बोलने की बीमारी है तो मुझे बार बार उसी में उलझते रहना चाहिए क्या? मैंने एक बार जवाब दे दिया, पार्लियामेंट में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से मामला आया। दूसरी बात है देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि आज़ादी के बाद लगातार डिफेंस डील हमेशा विवादों में क्यों आए हैं, ऐसा कौन सा वर्क कल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस डील को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दुर्बल करने का षड्यंत्र कौन कर रहा है, क्या कारण है? दूसरी बात है डिफेंस डील में दलालों को क्या जरूरत है, क्या इन दलालों के बिना डिफेंस डील नहीं होता? तीसरी बात है मेक इन इंडिया अगर 70 साल पहले शुरू हुआ होता, भारत खुद अपने शस्त्र बनाता, तो ये बाहर से जो मलाई खाने वाला रास्ता है वो बंद होता कि नहीं होता? मेरा गुनाह ये है कि मैं मेक इन इंडिया की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा गुनाह ये है कि हिंदुस्तान में सेना को जो ज़रूरत है वो हिंदुस्तान में बननी चाहिए, ताकि ये सारे बाहर से जो सौदेबाजी हो रही है बंद होनी चाहिए, और इसलिए मैं लगा हुआ हूँ, मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए लगा हूँ, यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात है जो लोग सेना को दुर्बल बनाना चाहते हैं, आरोप के मर देते हैं, क्या मुझे मेरे पर आरोप लगे इसकी चिंता करनी चाहिए कि मेरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए? मैंने तय किया है जितनी गालियां पड़ेगी मैं खाऊंगा, जितने आरोप लगेंगे लगने दीजिए, मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा, राष्ट्र रक्षा को प्राथमिकता देते हुए चलूंगा, मैं मेरे सेना के जवानों को उनके नसीब पर नहीं छोड़ूंगा, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको खरीदना पड़ेगा तो प्रक्रियाओं को तेज गति से चला करके करूंगा, मुझ पर आरोप होते रहेंगे तो भी करूंगा, क्योंकि मैं ईमानदारी और सत्य के साथ जीने वाला इंसान हूं, इसलिए झूठे आरोपों से डर करके मैं मेरे देश की सेना को दुर्बल नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे देश की सेना को निहत्थी नहीं कर सकता हूँ, देश को जो आवश्यकता है वो मिलना चाहिए।